लास्ट इन अपा गीता सेगा इस टॉपिक के अंदर फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ को अपन डायरेक्शन कैलकुलेट कीतीया सेगीया फोर्सेस जेडीया दोना कंडक्टर ते लाई करदीया उना दी डायरेक्शन की आ और ओदे अकॉर्डिंगली फोर्स दी नेचर की जे मैं इना वर्ड्स नु इदा लेके चलना ते अपन लास्ट आ कीता सेगा कि जे इस कंडक्टर चो करंट पास हुंदा पिया ए वी कंडक्टर हो गया आई वन चो करंट आ तुसी कहसे जी एदे अराउंड इने अपना मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड अप करना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी है ना आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला लिख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिहड़ी सीगी वो अपने को बाय रूल निकली सकी कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे इनवर्ड एक्ट करता पे और उस तो बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के अपन इधर पे फोर्स की डायरेक्शन करनी सी विच इज टुवर्ड्स द कंडक्टर वन यानी फर्स्ट कंडक्टर वाली साइड नो एज सच फोर्स की डायरेक्शन आई सी ठीक है उस तो बाद अपन फिर इधर रिवर्स से लेता सीगा कि जे हम कंडक्टर सेकंड जो करंट पास होवे ये जो आई2 करंट पास होवे और इधर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जेडी डेवलप हो रही है अराउंड इट ठीक है और इधर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के विच फर्स्ट कंडक्टर रख लिए जीचो करंट आई1 सेगा ते इथे अपन डिफाइन ने कितना सेगा कि भी जे आ मेरा कंडक्टर सीडी वाले करके इथे मैग्नेटिक फील्ड होएगा ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर विच अपन इथे डिफाइन कीती सी इधर को अगेंस्ट ठीक है वो मेरे को इस वे ना आउटवर्ड आ जाएगी और इस पॉइंट पे जड़ी फोर्स निकली सी ओदी डायरेक्शन मेरे को आर वाली आई सी की फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर बाय द सेकंड और ये तो अब फाइनल वर्ड देते सके कि दोना कंडक्टर दी फोर्सेस जड़ियां ने है ना वो मैंने शो कर दिया द टू कंडक्टर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर क्या एनी गल क्लियर है यस यस चल और ये तो अगे जे गल करिए बेटा कि आपा कहे जी फोर्स दी स्ट्रेंथ अपने को जे कैलकुलेट करनी है किनी एक्ट करूगी ओदे लई सब तो पहलो किसे कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड किन्ना बनया ओ मेनू चाहिदा ते अपने कोल आ ऑलरेडी आपा टॉपिक कीता होया वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ठीक है इज गिवन बाय पहलो इना समय लग रहा जी ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਚੋ ਕਰੰਟ ਆਈ2 ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ B1 ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ B1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 2 ਆਈ2 ਬਾਈ R ਹੁਣ ਇਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ सॉरी एक चीज मैं गलती कर गया मैग्नेटिक फील्ड पुत्र फर्स्ट कंडक्टर ने लगाया वा मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर ने लाया इसलिए इथे जेड़ा करंट लिखया जाना वो फर्स्ट कंडक्टर दा इथे I2 नहीं आना ठीक है मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट बाय द फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर ने बिल्ड अप कीता एक सेकंड रुकिए मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर ने डेवलप किया इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर करंट फर्स्ट कंडक्टर का आ गया और एदे करके फोर्स सेकंड कंडक्टर पे लगी है तो सेकंड कंडक्टर की फोर्स जो मैं डिफाइन कर ली वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field is given by jena sports mein define kariye apko symbol deta hoga f21
is given by F21 equal to force का general formula BIL sin theta ले रहे हैं, ठीक है? BIL sin theta. हुण आपां जे इहदे अकॉर्डिंगली चलिए ते अपनी डायरेक्शन जिहड़ी मैगनेटिक फील्ड इत्थे आई सीगी है ना, वो अपने रूल के अकॉर्डिंगली थंब इनवर्ड आया सी. इहदा मतलब जे आ कंडक्टर आ थंब नूं कंडक्टर मन्ना ते मैगनेटिक फील्ड जिहड़ा इत्थे लाई करदा पिया वो इहदा परपेंडिकुलर आ. मतलब करंट कैरिंग वायर ते मैगनेटिक फील्ड ये दोनों एक दूजे दे परपेंडिकुलर आ. मतलब जिहड़ा IL वैक्टर होएगा एक्सपीरियंस करता पे, इसलिए मैगनेटिक फील्ड B1 आ जाऊगा. करंट जेडे कंडक्टर चो पास होंदा पे वो I2 आ गया. एंगल मेरा थीटा दी थां ते 90 आ जाएगा. क्या अगर समझ आई? Yes sir. Yes sir. Variable clear है सारे नो? हाँ जी sir. Therefore आपने को जो भी F21 की value आएगी, that is defined to be B1 I2 into L. ठीक है? और आपन जो भी condition बना लगे हैं कल दिमाग से रखिए, आपन force for unit length करने लगे. Force for unit length का मतलब है कि तुसी one unit length, क्योंकि conductor आपन infinite के नहीं है. ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਾਓ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਕੱਲਾ ਐਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ F21/L. H जे वैल्यू पुट अप कर लिए ते अपने को कंडीशन आ जाएगी F=B1 × I2. इना क्लियर जी? यस सर. इना क्लियर है बच्चे? यस सर. H वैल्यू पुट अप कर दो. B1 का अपने को वैल्यू डेवलप ऑन μ0/4πI(2I1/R)×I2. ठीक है, ये आ गई मेरे को जेडी फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकंड कंडक्टर ने एक्सपीरियंस कीती है. सिमिलर जे मैं एस सच फोर्स जेडी फर्स्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा एदी वैल्यू लिखनी होवे तो जिथे B1 × I2 है ते B2 × I1 आना. कंडीशन डिटो आ आहा चीज इथे I1 I2 प्रोडक्ट चा, इसलिए I1 × I2 बने या I2 × I1 बोथ आर द सेम. मतलब सिमिलरली कह के सेकंड कंडक्टर ले लिख सकते हो. सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन AB कंडक्टर और AB कंडक्टर इज गिवन बाय उस फोर्स को डिफाइन कर दो. फॉर्मूला डिटो वर्च सेम लिखेंगे. B2 × I1 इक्वल टू आ गया μ0/4π × 2I2 I1/R. यानी दोनों दे दोनों कंडक्टर जड़े ने दे विल एग्जर्ट इक्वल फोर्स ऑन वन अनदर और फोर्स दी डायरेक्शन जड़ी सीगी उदे अकॉर्डिंगली दोनों कंडक्टर जदो दोनों च सेम डायरेक्शन च करंट फ्लो करेगा ते दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. यानी दोनों कंडक्टर ने एक दूसरे नु अट्रैक्ट करना. ठीक है, कदों जदों दोनों कंडक्टर च करंट जेड़ा उस सेम डायरेक्शन च फ्लो करदा पिया ते जे सेम ना होके करंट ओपोजिट हो गया इट मींस बोथ द कंडक्टर दे विल रिपेल ईच अदर. उदों फिर अट्रैक्शन नहीं आएगी, उदों मेरे कोल इहदे विच जिहड़ी ओ रिपल्शन बिल्ट अप हो जानी है. सिर्फ इन्नी चेंज आएगी कि सेम डायरेक्शन च करंट आ ते अट्रैक्ट करदे आ, ओपोजिट डायरेक्शन च करंट आ ते दे ऑलवेज टू बी रिपेल ईच अदर और उदे अकॉर्डिंगली कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड दा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा. जो लाइन बोली उहदा मतलब कड्डा पहलो ते आपां इदां कहांगे कि जे दोनों कंडक्टर ने कोल गिवन आ और दोनों दे अक्रॉस करंट सेम डायरेक्शन च फ्लो करदा पिया ते जे दोनों दा इंडिविजुअल ते मैग्नेटिक पैटर्न असीं आ सर्कुलर दिखाता, पर जे दोनों दा कंबाइंड दिखाना होएगा ते दोनों दा कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड दा पैटर्न मेरे को जिहड़ा आना दस में लग रही जो कह रहे हैं बेटा. यस यस सर.
आप ये निकल कह रहे हैं कि जेकर मेरे को दोनों कंडक्टर का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिए ना वो मेरे को सर्कुलर पैटर्न दिखाता इससे दा मॉडिफाइड पैटर्न जो कंबाइंड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड शो ऑफ करना होगा ठीक है ते अंदर अपने को सिर्फ आ चेंज आ जाएगी इंडिविजुअली इतो जो शुरू करांगा अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड उस मोमेंट कुछ पैटर्न मेरे इस वे का बनता जाएगा ठीक है जेड़ा जो दोनों करंट कह रही कंडक्टर च करंट सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन करके मैगनेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस वे ना बन जाएगा पर जे मेरे को दोनों कंडक्टर एक दूजे रिपेल करते हुए ठीक है जो दोनों कंडक्टर एक दूजे रिपेल करते हुए तो मैगनैटिक फील्ड का पैटर्न चेंज हो जाएगा मैगनैटिक फील्ड का पैटर्न मेरे को चेंज हो जाना तो उदो मेरे को मैगनैटिक फील्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंगली इन दोनों कंडक्टर के जो मैगनैटिक फील्ड ने है ना उन्होंने एक दूजे रिपेल करना यानी एदा मैगनैटिक फील्ड लाइन इस वे ना एदियां मैगनैटिक लाइन इस वे ना बिल्डअप होंगे जा रही है ठीक है तो सेंटर के मैगनैटिक लाइन मेरी जी एस एच कहना जी स्ट्रेट आ जाएगी यानी कुछ इस टाइप का मैगनैटिक फील्ड का पैटर्न आएगा जिस ये दोनों एक दूजे को रिपेल करते दिखावे ठीक है जी जो मेरे को करंट इन्हों दोनों वायर मेरे को एस एच ओपोजिट आ सो जो वायर च करंट ओपोजिट आ इन्हों मैगनैटिक फील्ड लाइन ने एक दूजे को रिपेल करना और जो दोनों के विच करंट मेरे को सेम डायरेक्शन च है तो इन्हों मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने एक दूजे को अट्रैक्ट करना यानी इस टाइप का पैटर्न मेरे को जरा इन्होंने अराउंड जनरेट होएगा आ क्लीयर है जी यस सर क्लीयर आ यस सर ये कोड क्लिक कर लिए फिर इसे हजे कंटिन्यू करना आप हाँ जी इसे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल आना प्रूफ है पूरी गल करने चलो ये कंटिन्यू कर रहे हैं आप इस टॉपिक के नाल एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन फॉर द फोर्स अट्रैक्टिव और कहना जी रिपल्सिव यानी आप जो दो कंडक्टर जी कह रहे सेम डायरेक्शन करंट फ्लो करता तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और जे करंट ओपोजिट डायरेक्शन है तो दे विल रिपेल ईच अदर वो कहता जी यदा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई दे दियो तो बच्चे वो अंदर असं शो पे कर देने कि जे मेरे को एक मरकरी टब हो यानी अपने को टॉपिक हैगा एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर करंट सेम डायरेक्शन च या ओपोजिट च कुछ पहला केस आप दिखा रहे कि जो अपने को एक मरकरी टब गिवन आ मरकरी पुत्र अपने को लिक्विड स्टेट से मेटल अवेलेबल होगी तो जे इस टब के अंदर मैं मरकरी फिल कर लवा ठीक है और मरकरी विल प्रोवाइड द गुड कंडक्टिंग पाथ उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर रहे हैं कि जे मेरे को एसएच आ दो वायरस ने ठीक है और दोनों वायर का एक एंड तुसी इस साइड के उत्ते जी एसएच हैंग करते पे हो तो दूसरा उसका फ्री एंड होएगा और इस अरेंजमेंट को जो मैं एस एच एक बैटरी के नाल इस अरेंजमेंट को मैं एक बैटरी ना अटैच करके इस इधर लोअर एंड जो होएगा इतों एक वायर को मैं एस एच इस मरकरी टब च छड़ देवां ठीक है वो कहना जी वैन यू स्विच ऑन द करंट जो मान लो मेरी वन वे की लगी है वैन यू स्विच ऑन द करंट जो तुम एस एच की प्रेस करोगे और करंट पास करोगे इस पॉइंट पर आके करंट आ दो पार्ट डिवाइड हो जाना जो दोनों वायर च करंट जरा वा सेम डायरेक्शन फ्लो करेगा तो वट वी ऑब्जर्व जो इन्होंने आ फ्री एंड दे विच दा गैप हैगा ठीक है जो इन्होंने फ्री एंड दे विच दा गैप हैगा उहदे नालों एस एच जो करंट नूं स्विच ऑन किया
ठीक है, इना बायर से बेचारा गैप जरा होएगा वो अगे नाल इंक्रीज करेगा, यानी बायर अपनी पोजीशन तो ठीक है जी इना पोजीशन वाल डिस्प्लेस हो जानी, तो जे बायर इना पोजीशन वाल डिस्प्लेस हो रही सॉरी करंट सेम डायरेक्शन च दिखा रहा मैं गलत बोल गया, करंट सेम डायरेक्शन च जो फ्लो करता है तो रिजल्ट यह कहता है कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो जे अट्रैक्ट करते तो वायर अपनी इना पोजीशन तो आ पोजीशन पर डिस्प्लेस हो जानी है जिदे करके इना का गैप अगे नालों रिड्यूस हो जाएगा, यानी जे फ्री एंड एक दूजे दे नियर बाय आ रहे हैं, जे फ्री एंड एक दूजे दे नियर बाय आ रहे तो इट मीनस वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर, इहदा मतलब एक एक्सपैरिमेंटल अपने कोल प्रूफ यह आ जाएगा कि जो दो वायर चो करंट सेम डायरेक्शन च फ्लो करता और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो यह मतलब इन्होंने फ्री एंड के पिछला जो गैप होएगा दैट विल बी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, क्या आ गल समय लगी? वायर आ गई जिदा अपर एंड बैटरी ना जोड़ देने और एदा लोअर एंड जिहड़ा होएगा ठीक है एदा लोअर एंड जिहड़ा इहनूं असीं मरकरी टब च छड़ दईए, उत्थे आपां दो वायर्स लित्तियां सीगियां एक वायर तो दो वायर बना के उहदे च करंट सेंड कीता, इह च फर्क इह पा रहे कि आपां इक्को ही वायर जिहड़ी हैगी आ उहदे नाल बैटरी अटैच कर दिओ और इत्थे मान लो आपां की लगा दित्ती ठीक है आ मेरे कोल फ्री एंड पा दोनों दे ठीक है ते उपरों मेरे कोल करंट जो स्विच ऑन करांगा ते करंट कहिंदा जी एस एच पॉजिटिव टर्मिनल तो फ्लो करके नैगेटिव वल जाना, इह च की सीगा करंट पॉजिटिव तो नैगेटिव च मरकरी टप च आ रहा, मरकरी गुड कंडक्टर आ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀਸ ਟੂ ਵਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਨਾ ਜੀ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਵੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਵੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਯੈਸ ਸਰ। क्या आज सारे नु क्लियर है बच्चे? यस सर। इधर एक सेकंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वो गोल हैगा जिन्हों से नाम देते हैं रॉजर्स एक्सपेरिमेंट, इन्हों से नाम देते हैं रॉजर्ट एक्सपेरिमेंट। रॉजर्ट एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली से की शो किया हुआ कि मेरे को एक कोई ब्रास कंटेनर है ठीक है उस ब्रास कंटेनर के अंदर तुसी ऐसे वे ना मरकरी पेल की हुई है ठीक है इधर अंदर से मरकरी पेल की थी या और इधर एक रॉस तुसी की करते हैं मैं एस सच कहता कि एक स्प्रिंग जेड़ा होएगा एक सेकंड सर हाँ जी इधर एक रॉस तुसी शुरू पे कर रहे कि भी एस सच एक स्प्रिंग नो एक स्टैंड दे नाल तुसी हैंग करते हैं पहले इधर मेरे को एक हेलिकल स्प्रिंग आ गया और इस स्प्रिंग का लोअर एज जेड़ा वा इट जस्ट टच द कहना जी मरकरी टप ठीक है ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਦੇ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ ਚ ਛੱਡ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਟ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਇਸ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ
जिदा ही मैं इसके करंट स्विच ऑन करांगा, मान लो वन वे की लगा दी, जिदा ही करंट स्विच ऑन करोगे असं ऑब्जर्व की करांगे, दिस स्प्रिंग विल स्टार्ट डांसिंग अप एंड डाउन, जी स्प्रिंग जरा वा उन्हें अप एंड डाउन ऑसीलेट वाइब्रेट करना शुरू हो पैना। ठीक है, वह कहना भी इदा क्यों, तो वह कॉज यह होएगा कि जो करंट पास किया तो जो सर्कुलर टर्नस ने, जे सर्कुलर टर्नस ने इन ईच ऑफ द सर्कुलर टर्न करंट विल फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जिन्हें भी टर्नस ने सारे करंट जो एसएच तो एंटर किया, ठीक है, इन सारे करंट जरा होगा वो सेम डायरेक्शन च फ्लो करू, सारे करंट घूम के सेम डायरेक्शन चाहता पे, जिदे करके हर दो सर्कुलर टर्न जड़े ने दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो इन्होंने एक दूजे को अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करके इन्हें स्प्रिंग ने कंप्रैस होकर उपर उठना, बट द मूमेंट जिदा ही उपर उठेगा है ना, यदा कॉन्टैक्ट मरकरी टब जुड़ जाना, तो जिदा यदा कॉन्टैक्ट मरकरी टब ब्रेक करना, तो जो करंट इस पास हों सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट पास होना बंद हो जाना, तो जी अट्रैक्शन बनी से खत्म हो जाएगी, और अट्रैक्शन खत्म होते सारी क्या अगेन इट विल कम बैक, ठीक है, और जिदा ही वो वापस आया इमीजिएटली अगेन इट टच द मरकरी टब, तो मरकरी टब ने टच करते फिर सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, सर्किट कंप्लीट होते फिर कहता जी अट्रैक्टिव फोर्सिस बनिया फिर उपर उठ गया, सो कंटीन्यूसली इन्हें इस वे दे नाल अप एंड डाउन जो मूव करता पाया दैट ऑलवेज टू बी शोज कि भी ये अंदर अट्रैक्टिव फोर्सिस जिहड़ियां बनदियां पईयां ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन, उन्हें असीं डिफाइन कर दें कि भी इस रॉजेट एक्सपैरिमेंट के अकॉर्डिंगली भी, ठीक है, असीं शो अप कर सकते हैं कि जो दो वायर च करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करता तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या इन्नी गल क्लियर आ? याद रखियो कि अपना जेड़ा फॉर्मूला पर ड्राइव कीता वा, ठीक है, ओदे तो ही मैं कल तो एक गल कही सी, ओदी गल हुण लास्ट जोड़न लग्या कि आपां करंट नूं भी डिफाइन करदे आं, जे मैं फोर्स दा फॉर्मूला लवा जो आपां हुण ही ड्राइव कीता, फॉर्मूला अपना आया म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 आई 1 आई 2 बाय आर, ठीक है, और इस फॉर्मूले दे थ्रू तुसी एसएच करंट दे एसआई यूनिट नु डिफाइन कर दे, असी एच सी ए डिफाइन कर दे कि जे मेरे को दो करंट कैरिंग वायर दे विच दोने करंट कैरिंग वायर दे विच करंट सेम फ्लो करदा एंड दैट इज टेकन टू बी 1 एंपियर, ए ओदो पॉसिबल आ इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर इज 1 मीटर, न्यू नॉट बाय 4 पाई दी अपन वैल्यू पता 10 रेस टू पावर माइनस 7 हुंदी आ, 2 नाल मल्टीप्लाई इथे कीता होया, यानी आ एनी चीज दी वैल्यू 2 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 7 बन गई, ठीक है, जिन्नी इस सारे चीज दी वैल्यू बनी है, जिवें आई नु 1 बनाना, आर तो मैं पहले 1 कह रहा, ए मन फोर्स दी वैल्यू एग्जैक्टली ओनी हो गई जिन्नी आ सारी चीज दी वैल्यू आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਇਨਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਫ ਦਾ 2 ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਇਫ ਦਾ 2 ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਰਟ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 2 ਇਨਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਨਿਊਟਨ ਔਨ 1 ਅਨਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ, ਦੈਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ 2 ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਕਿਊ ਬਾਈ ਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 1 ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਸਆਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ 2 ਕੰਡਕਟਰ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ 2 ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਰਟ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 2 ਇਨਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਨਿਊਟਨ ਔਨ 1 ਅਨਦਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਸ ਐਚ ਕਰੰਟ ਦੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
यस सर यस सर यस सर अपने कैमरे ऑन करो होनी इधर दे दें जल्दी जल्दी सारे कैमरे ऑन कापियां लैनी भजना किसी ने जिथे बैठ के पढ़ते पे उत्थे थल्ले नूं करो कैमरा देखा थोड़ी कापियां कूपियां जरा घुमाओ जरा कैमरा सर भूख हैगी लग गए हुण वजनी है ना तेरे भुख तू सिर च मारनी भुख मेरे कोल पई हुंदी आ तैनूं नहीं भुख दी लोड़ मार खाने वाले काम इतने तू राम कथा सुनता पे आ करो ऑन किन्ने दे कैमरे नहीं ऑन हुए हूं किताबा लैन भजे अद्धे जाने आदे रविंदर केशव गोयल ऑन करो कैमरे जरा कॉपी वाल ऑन करो जरा मैं कॉपियां देखनी सारे दिया कॉपियां वाल ऑन करो जरा मैं क्या चल सियाने न्याणे सारे वधिया ढंग ना अपने आप नाल नाल पता पढ़ना वा सानिया गुप्ता ये बुक दे उत्ते कीता के कॉपी दे टोराइड दी फिगर आ रही है सामने हर्ष सर कॉपी कितने है जिते लिख दे हो सर नोट से ही पढ़ रही थी मैं नालो नाल ना कुछ ना कुछ जिहड़ा करदे हुंदे नोट भी करया करो कोई ना कोई पॉइंट नोट करन वाले हुंदे उह करया करो उह तां चलो ठीक है तुहानूं इहदी सारी पिक्चर भेज देऊंगा मैं पर तुसीं वी तां कुछ ना कुछ नालो नाल नोट करया करो बुक कॉपी दोनों चीजां रख्या करो सारे जणे अद्धे तों ज्यादा जणे ने ऑन कीते आपणे सांच सीरत इशा किसे दा कैमरा ऑन नहीं हैगा पलक साहिर जसकीरत समीक्षा केशव गोयल गुरबाज जी इतना लिखा कुछ करता माड़ा या फोकस देखा की लिखा तो कॉपी साथ में रखी है पर मतलब अभी कुछ लिखा नहीं था बुक से ही देख रही थी कोट खानी है कोट अच्छा फिर मैं रोज ही कैमरे ऑन करा लेने मैं तो मैं दसदा कैमरे मैं ता नहीं ऑन करांदा कि चलो एवं डिस्टर्बेंस होंगी है ठीक है हर दिन अपने हिसाब न बैठा पढ़ता हूं ठीक है सीरत खुशी गुप्ता ईशा तेरा कैमरा हजे तक नहीं ऑन होया सांच हजे तक कैमरा नहीं ऑन होया ईशा घर आके इतने आवाज दे के जावा सांच तेनू घर आके बाज दवा देख लो इन्ने भेड़े न्याणे आवाज सुन के भी नहीं कैमरा ऑन होया सर मेरे विच इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत आ रही सी हां जी सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा सी अच्छा मैं तो पूछया नहीं मैं तो तेनू कहा कि किताब कापी दिखा किथे है तेरे कोल जिथे तू करदी पई बैठ के खाली हाथ बैठ के पढ़ते पे तुसी लोग चलो बंद करो कैमरे नालों नाल अपना रखिया करो पढ़न दा साहब कुछ पढ़ना पवे तुहाडे कोल होना तो चाहिए एक पढ़न दा ढंग बदल गया तो एक तुसी उत्ते नाल नहीं कुछ रखते पे फिजिक्स इदां ही आजूगी कि भी ठीक है बस उत्ते निगाह मारी चलो तो हुई चलो चलो ये फोटो क्लिक करता फिर करते कंटिन्यू
चलो सुनो गल ध्यान एक ए तो बाद हुण बुक तुहाडे को कईआं को पढ़ी हुंदी इसलिए पता ही लग जूगा रिटेन इन मैमरी च जिहड़े पॉइंट दे ते इक ओ चंगी तरह पढ़ने आ एक नैक्सट पेज ते जाके कंपैरिजन ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड मैगनैटिक फोर्सिज आ एक ए टॉपिक यह सिर्फ रीडिंग वाले टॉपिक है एक बार पढ़ लियो ठीक है जी आप उसको अगे कंटिन्यू करांगे पुत दूजी आई डी द्वारा आई डी बना के भेजन लगे पुत शिफ्ट करो अपना टाइम थोड़ा ही